अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फरहान शाह है और आप लोग देख रहे हैं रिव्यू टेक। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे रॉनिन के एयरबड्स की जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। इसका मॉडल है R460 गेमिंग प्लस म्यूजिक मोड और ENC की भी सपोर्ट दी गई है इसमें। ENC बेसिकली नॉइस कैंसिलेशन की तरह ही काम करती है, पर इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेटर होती है जैसे कि आप शोर शराबे में बहुत ज़्यादा, और अगर आप किसी से बात करें तो आपकी जो वॉइस है परफेक्टली आगे आगे वाले बंदे को सुनाई देगी। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले इसकी स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बता देता हूँ। एयर सेंसर, फास्ट पेयरिंग, डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ वर्जन इसका V5.3 है और एयरबड्स में जो बैटरी इंस्टॉल की गई है 30 mAh की बैटरी एयरबड्स में इंस्टॉल की गई है। इसके जो केस में बैटरी इंस्टॉल है वो 400 mAh की बैटरी है। ऑलमोस्ट जब तक मैंने जितने भी एयरबड्स की अनबॉक्सिंग की है या मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं किसी में भी 400 mAh की बैटरी देखने में नहीं आई है। तो 400 mAh की बैटरी है तो इसका बैटरी बैकअप तो बहुत अच्छा होना है। और 10 मीटर इसकी ब्लूटूथ की रेंज है। कंपनी क्लेम करती है 5 से 6 घंटे बैटरी बैकअप एयरबड्स का और स्टैंड बाय अप टू 80 आवर्स। अगर इसके एयरबड्स की चार्जिंग की बात की जाए तो 1.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएंगे और अगर केस की बात की जाए तो 2 से 2.5 घंटे में इसका केस चार्ज हो जाएगा। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। रॉनिन के बॉक्स की पैकेजिंग बहुत प्यारी होती है। ये इसके एयरबड्स के रबड़स हैं, अपने कानों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटे बड़े लगा सकते हैं। और चार्जिंग वायर की बात की तो टाइप सी चार्जिंग वायर दी हुई है इसके अंदर। और एयरबड्स निकालते हैं। अब एयरबड्स यार देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं पर इन पे जब हाथ लगा रहे हैं तो निशान हो रहे हैं। इसका जो ब्लैक कलर दिया शाइनिंग वाला है, इस पर फिंगरप्रिंट्स हमारे निशान कर रहे हैं। और इसका जो केस है, केस निकालते हैं। अच्छा, केस का जो कलर है वो ब्लैक कलर है, फुल ब्लैक है केस इसका और मैट फिनिश में दिया हुआ है। इस पर निशान नहीं हो रहे हैं जैसे कि आजकल वो जैसे कि एयरबड्स पे हम हाथ लगा रहे हैं तो फिंगरप्रिंट्स हमारे उस पर छप रहे हैं। इस पर कोई निशान नहीं हो रहा है, स्क्रैच भी नहीं होगा ये। और इसका अंदर का कलर तो बहुत खूबसूरत दिया हुआ है। डिजिटल डिस्प्ले इसमें फिलहाल शो नहीं हो रहा, एयरबड्स इसमें लगाते हैं। एयरबड्स इसमें लगाते ही सारी मतलब यहाँ पे 89 बैटरी शो कर रहा है, शायद यहाँ नजर आ रही हो या नहीं आ रही हो कैमरे में। तो बैटरी इसकी चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। बॉक्स को करते हैं साइड पे। तो अब इसकी बात की जाए तो ये फटाफट एयरबड्स चार्ज हो रहे हैं, इसकी बैटरी बड़ी जल्दी से नीचे जा रही है क्योंकि ये खुद बॉक्स भी चार्ज नहीं है इसका केस और एयरबड्स भी चार्ज नहीं है। और डिस्प्ले बहुत अच्छा है, रॉनिन का लोगो दिया हुआ है, टाइप सी चार्जिंग वायर दी हुई है इसके अंदर। एयरबड्स चार्ज हो चुके हैं, अब हम इसे कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन से और इसके साउंड क्वालिटी और गेमिंग मोड की बात करते हैं। देखने में यार बहुत खूबसूरत है, लाइट वेट है, बॉक्स भी इसका लाइट वेट है। और कनेक्ट करने का वही सिंपल तरीका है कि आपने इसे बॉक्स से निकालना है, ब्लूटूथ ऑन करनी है और सर्च करना है। इसका मॉडल आ गया रॉनिन R460 पेयरिंग। सिंपल है, जैसा आपने बॉक्स से निकालना है, ब्लूटूथ पे सर्च करना है और इसे ये फोन से कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों निकाल के लगाएं तो फोन से दोनों कनेक्ट हो गए। भाई साउंड की बात की जाए तो बोम यार R9 इनके हैंड फ्री बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और इसका साउंड मैं बयान नहीं कर सकता, कैमरे में मैं दिखा नहीं सकता कि इसका साउंड कितना है। अगर आप गेमिंग खेलते हैं और म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं तो आपके लिए ये एयरबड्स बेहतरीन है। इसका साउंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। अच्छा, ये यहाँ पे इस पर पन्नी लगी हुई थी फिर भी इसका सेंसर काम कर रहा है। यहाँ पे इसका टच सेंसर दिया हुआ है, इसी टच सेंसर से आप जो है इसे मतलब कि इसकी कॉल अटेंड कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक पास कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं और यहीं से आप इसकी जो वॉल्यूम है अप डाउन कर सकते हैं। मैं यहां अप डाउन कर रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो गया इसी के अंदर, मतलब यहीं से कितने सारे टच दिए हैं। और अगर इसका लेफ्ट वाला एयर अपना जो लेफ्ट वाला एयरबड्स है वो आप अपने कान में लगा के
चार से पांच बार टेप करेंगे तो आपका गेमिंग मोड इनेबल हो जाएगा। यार मैं जितनी एयरबड्स की तारीफ करूँ ना उतनी कम है, मुझे साउंड के लिहाज से बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव की गई है। मैंने स्टार्टिंग में जो बात की थी कि अब तक मैंने जितने भी एयरबड्स की अनबॉक्सिंग की है या मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं उन सब में से किसी के भी केस में इतनी बड़ी बैटरी इंस्टॉल नहीं है। और अब मैं साथ के साथ ये बात भी कर देता हूँ कि यार ये जो एयरबड्स हैं ना ये कमाल है यार। रॉनिन के एक हैंडफ्री बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे R9 के नाम से ना, तो R70 मैं इसे बंद कर देता हूँ बार बार चलो R970 के नाम से इन्होंने ब्लूटूथ भी बनाई थी, उसका साउंड भी बहुत क्लास का था और हैंड फ्री का। और इसका जो यार एयरबड्स में जो अभी इन्होंने साउंड डाला है ना, साउंड क्वालिटी कमाल है। मैं कैमरे में तो शो नहीं कर सकता कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, मैं बस मेरे फेस इंप्रेशन देख के आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी साउंड क्वालिटी क्या है यार। और गेमिंग मोड इनेबल करने के लिए आपको चार से पाँच बार यहाँ पे लेफ्ट वाला एयरबड्स जो इस पर पाँच बार आप टैप करोगे चार से पाँच बार तो आपका गेमिंग मोड इनेबल हो जाएगा। बाकायदगी ऐसा साउंड आगा के गेमिंग मोड आपका इनेबल हो गया है, ठीक है। और अगर आपने म्यूज़िक सुना है तो आप दोबारा इसी पे चार से पांच बार टैप करोगे तो आपका गेमिंग मोड बंद हो गया, म्यूज़िक मोड इनेबल हो जाएगा। तो इसकी प्राइस की बात की जाए तो जिस तरह की इसकी साउंड क्वालिटी है इसकी प्राइस 7 से 8 हज़ार रुपये होनी चाहिए, पर इसकी प्राइस है 4,500 रुपये। अगर आप इसे हमसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप इसे इजीली हमसे बाई कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो मस्त लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।